एक लड़का था, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था। आप साधु जी हैं तो उन आपसे मैं पूछ नहीं है, जी मतलब साधु नहीं है, मतलब पंडित जी है। पंडित जी, हाँ साधु मतलब में पंडित जी साधु जी में, हाँ क्या अंतर क्या है थोड़ा? साधु बाहर रहेगा, पंडित जी अंदर बाहर दोनों जाएगा। ओके चलिए, एक लड़का का प्रश्न था, वो आपसे जानना चाहूँगा कि पंडित जी कहीं भी गांव में निकलते, कहीं भी अपने एरिया में निकलते हैं तो उन्हें बच्चा भी प्रणाम पंडित जी कहते हैं, और जो बूढ़े होते हैं वो लोग भी प्रणाम पंडित जी कहते हैं, तो उनमें एक चीज़ गुण चेंज करना चाहिए। वो लड़का मुझे बताया कि सबको कहते हैं कि खुश रहिए, खुश रहिए के जगह पर ऐसे बोलना चाहिए उनको कि प्रणाम पंडित जी, जैसे बोले तो प्रणाम प्रणाम। क्या आपको इसमें क्या अंतर लग रहा है? खुश रहिए हर मतलब बच्चे हैं उनको भी कहते हैं खुश रहिए, बूढ़े हैं उनको भी रहते हैं खुश रहिए। हाँ बतलाते हैं, वो लड़का जो है प्रश्न पूछने वाला जो था ना, वो महामूर्ख था, उसके पास में उतना ही भगवान सोच दिया और आगे सोच देता पढ़ाई लिखाई के लिए तो और आगे सोचता। पंडित जी जिसको कहते हैं ना, उसको ठेठी में कहते हैं, मूर्खाधिराज में, संस्कृत में उसको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित थोड़ा भी कम नहीं, पुरोहित। पुरोहित शब्द का मतलब क्या है कि जो 5 साल का हो वो, आज जो 100 साल का हो वो सब के लिए पुरोहित है, माने एक के रंग के है। चाहे आप 10 भाई रहिए, घर में 10ों में लड़ाई होता है, लेकिन पंडित जी जो है ना वह एक ही रहेंगे, 10ों को आशीर्वाद देंगे। किसी भाई को ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा मृत्यु भवा, और उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा दीर्घायु भवा, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह दोनों के हित में बात करेंगे। तो पंडित जी ठेठी भाषा पुरोहित। तो उनका जवाब आप कैसे दे, ऐसा ही देंगे? नहीं, वो जवाब देंगे, वो चाहते हैं कि देखिए जैसे हम पर बच्चे हैं उनसे छोटा है तो उनको, जैसे मैंने बोला कि प्रणाम पंडित जी, तो उनको बोलना चाहिए मतलब चलिए खुश रहिए खुश। और जो बूढ़े हैं उनसे भी ज्यादा एज के वो लोग अगर प्रणाम करते तो उनको भी बोलते हैं कि खुश रहिए, उनको थोड़ा ये कहना चाहिए। वो कह रहा था लड़का कि तुम्हारे अनुसार क्या कहना चाहिए, तो वो बोल रहा था कि हमारे अनुसार उनको ये बोलना चाहिए, जैसे भी किसी मास्टर को, टीचर को, किसी भी शिक्षक को या किसी भी बड़े लोगों को प्रणाम कहते हैं तो वो भी प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रणाम, वो कहते हैं प्रणाम तो वो भी करते हैं प्रणाम। तो ये पंडित जी में क्या आ, तो ए हुए पुरोहित, प्रणाम किया, ए हुए पुरोहित और कलेक्टर साहब सिर्फ जिला के हैं, वो जहाँ जिस जिला में रहेंगे भगवान ही बन के रहेंगे, माने कि एसपी साहब वो जिस जिला में रहेंगे वो भगवान ही बन के रहेंगे, वीडियो साहब वो जहाँ भी रहेंगे वो भगवान ही बन के रहेंगे। तो ये सब एगो परलौकिक भगवान, एगो सलौकिक भगवान, तो यह लौकिक भगवान सब है, हम लोग उनके दूत लोग हो गए। तो हम लोगों को कैसे रहना है कि पंडित जी खुश रहिए, खुश रहने का मतलब क्या है, जिसमें सब चीज आता है खुश, आपको कपड़ा मिल गया खुश, कलम पॉकेट में है खुश, खाना पेट में खाए हैं खुश, अगर पॉकेट देह पर कपड़ा, पॉकेट में पैसा, कलम दे दिया जाए और पेट में खाना नहीं दिया जाए तब आप खुश रह सकते हैं? इसीलिए पंडित जी बोले कि खुश रहो, सबको खुश रहो, दुख कोई ना रहो, खुश रहिए, हम चाहे जैसे हैं आप खुश। क्या अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप ये अंकल जी से पूछिए, बहुत जानी है ये बोल सकते। कुछ कहना चाहेंगे आप अंकल जी से कहिए। इस सवाल पर एक नवयुवक का सवाल है कि जो भी पंडित जी है वो लोग किसी छोटे हो या बूढ़े हो, ज्यादा एज को हो या कम एज को, उन सारे को यही बोलते हैं कि खुश रहे, सब एक समान में है, यही बोला जाना चाहिए, यही बोला, सबके लिए एक कर रहे हो, सब एक समान है ना, खुशी में सब चीज आता है, पॉकेट में पैसा भी आता है, देह पर वस्त्र भी आता है, पेट में दाना भी आता है, है ना, थोड़ा सा राहत के लिए साइकिल मोटरसाइकिल भी आता है, तब ना खुशी। खुशी का मतलब क्या हुआ? आ गम का मतलब क्या हुआ? गम का मतलब अति दुख, पेट में खाना नहीं है, देह पे ठंडी लग रहा है, और क्या कहें, आत्मा। आप अच्छा वार्ड मेंबर में भी खड़ा हुए थे, सुने कि आप वार्ड मेंबर भी हैं, नेता भी हैं? हम नेता नहीं है जी, नेता नहीं है, तो वार्ड मेंबर में नेता होता है ना, समाज से भी काम, बस मालिक होता है वो, तो हरे हरे घर घर बैठा रहता है, लेकिन बस पर लिखा रहता है आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगा। सेम उसी प्रकार एक नेता पूरी जनता को खुश नहीं कर सकता है,
पक्ष विपक्ष हमेशा चलता है जी, जी जी है ना। और उस पक्ष विपक्ष के दायरे में अगर आपको पांच भाई हैं तो पांच को लाठी ठेल दीजिएगा तो सब भाग जाएगा। भाई में अकेला है तो आपको चारों तरफ से धर करके और जो चाहेगा वह करेगा। तो इस दलदले में हमने फंस गया और दलदले में फंस करके भी मैंने ऐसा काम किया जो ऊपर वाले परमात्मा जानते हैं या नीचे के धर्मात्मा जानते हैं। धर्मात्मा मतलब आदमी सब जी। अच्छा आप बताइए कि सरकार नियम लगा रहे हैं कि दो बच्चे से ज्यादा बच्चा नहीं पैदा करना, आप कह रहे ज्यादा बच्चे ज्यादा भाई रहिएगा। हम कैसे समझेंगे, सरकार का नियम कारगर है, सरकार का नियम निकल गया। नियम जब तक बाहर आते आते तब तक जनसंख्या बढ़ गया। जनसंख्या को थोड़ी सरकार रोक सकते हैं, नियम लगा सकते हैं, जनसंख्या को रोक सकते हैं ना। आज भी साल भर में एक बच्चे हो रहा है, सरकार कहाँ है? जब आशा है तो आशा के काम है निगरानी, आशा है कहाँ? सरकार के धोने की व्यवस्था हम लोग स्पेशल रखते हैं, लेकिन हम ना चाहते रहते हैं कि ऐसा काम कभी सामने आए। कहना यही है, साधु संत अलग है, कि ये जो आप प्रश्न सिर्फ पंडित जी पर ही ले आए हैं, बड़े बड़े साधु संत महंत भी आशीर्वाद के रूप में वो भी यही कहते हैं कि खुश रहो, पुजारी सबको कहा जा रहा है। फिर ये अच्छा हुआ कि वो अच्छा हुआ, वो तो आपको निर्णय करना है। एक आशीर्वाद तो दे नहीं सकते है ना कोई, एक आशीर्वाद चुनिंदा कर करके। जैसे किसी मंदिर में, मस्जिद में या बड़े बड़े मठ में चले जाइए, मंदिर में चले जाइए तो वो लोग को प्रणाम किया जाता है तो वो कहते हैं खुश रहिए, भाई आपसे ज्यादा एज का है फिर भी खुश रहिए, ये कहना चाहिए। उसके अनुसार ये कहना चाहिए कि सब आता है प्रणाम। जैसे मैंने कहा कि प्रणाम पंडित जी या प्रणाम पुजारी जी या प्रणाम महंत जी, तो उनको ये उनका मन है कि ये कहना चाहिए कि प्रणाम प्रणाम जी। इधर आइए, आपका क्या प्रश्न कीजिए। हम यही कहा जैसे कि अभी कहे ना खुश रहिए, तो इसी पर हमने कहा बहुत जगह हमने ये भी सुना है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं प्रणाम तो प्रणाम का उल्टा लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम का प्रणाम ही करते हैं, ऐसा क्यों? हम ये जानना चाहते हैं। सब लोग प्रणाम को प्रणाम करते हैं लेकिन साधु जी पुजारी जी महंत जी ये सब प्रणाम क्यों नहीं कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा सवाल वाले आ गए, ऐसे सवाल वाले थे। इनके ऊपर जरा फेस आप नजर डालिए, इनके ऊपर नजर थोड़ा डालिए कि इनकी हालत क्या है, साधु की हालत क्या है, साधु किस हालत में है ना, और ये किस हालत में है। आप क्या कहना चाहते हैं? इनका प्रश्न है वो सवाल के जवाब। हमारा प्रश्न यही है, इनका जवाब दीजिए आप। उनका जवाब यही है कि प्रणाम के प्रणाम करने पर उल्टा हो जाता है, मतलब उसका रिटर्निंग हो गया, और खुश रहने का आशीर्वाद का मतलब हुआ कि उनको मतलब दुआ मिला। अच्छा बात यही होता है, आप एक नहीं अनेक से परीक्षा लीजिएगा, यही इसका रिजल्ट निकलेगा, दूसरा कोई। और इसमें एक चीज और आ गया, इसमें देखा जाएगा कि अगर हमको यह प्रणाम किए हैं, हमको यह प्रणाम किए हैं जी, अगर हम इनके सामने बच्चा है तो ब्राह्मण जान के अगर प्रणाम किए हैं तो हमको उनको आशीर्वाद देना है। ऐसे जो प्रणाम किए हैं तो हमको भी तो प्रणाम करना है, क्योंकि हम छोटा है उम्र में, आयु में छोटा है, तो हमको भी उनको प्रणाम कर ले। चलिए आंसर मिल गया आपको? हाँ मिल गया, समझ गए? समझ गए। चलिए बहुत अच्छा लगा, मतलब समझ गए आप, नहीं समझे? ये भी समझ गया। हाँ। अगर ब्राह्मण समझ के वो हमारे पूजनीय है, मैं उनके पूजनीय हूँ, वो उनका काम है, वो हमारे ऐसा नहीं ना कि वो आपके जैसा है, मतलब आपके रिश्तेदार में होंगे या कास्ट में है, इसके लिए प्रणाम करना है, दूसरे कास्ट में नहीं करना है? नहीं ऐसा बात नहीं है, अगर कोई मिले तो नहीं, अगर कोई हाकिम है जी, अगर कोई हाकिम है प्रणाम करते हैं, सुनिए ना, प्रणाम पंडित जी, तो आप क्या कहिएगा? और कोई पदाधिकारीगण है तो उनके सामने तो पहले हम जाते हैं, जाने के बाद उनका स्वभाव परिचित होता है कि ये लेते हैं कि देते हैं। तो जो अच्छे स्वभाव के होते हैं वह जो है कि अपना भेष से आदमी परिचित होता है, प्रणाम किया जाता है, तो वहां पर भी प्रणाम ही किया जाता है, क्योंकि उनके पद को इसके लिए वापस रिटर्निंग उनको दे देना है, क्योंकि भगवान को भगवान। और कोई सवाल है आपको? हाथे से करते हैं भगवान को भगवान प्रणाम, वो चरण छूकर नहीं कर सकते, हाथे से कर सकते हैं। एक देवता दूसरे देवता को हाथों से नमन करने की। अच्छा पंडित जी महाराज,